मैं महेश्वर मिश्र, दर्शन विभाग, कोशी कॉलेज, खगड़िया। प्रिय छात्रों, दर्शन शास्त्र स्नातक तृतीय खंड प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में सिंबॉलिक लॉजिक अर्थात प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र और एनालिसिस अर्थात हास्पर्श का भाषा विश्लेषण निर्दिष्ट है। पाठ्यक्रम का पहला शीर्षक व्हाट इज लॉजिक है और सिंबॉलिक लॉजिक की महत्वपूर्ण पुस्तक आईएम कॉपी की है, जिसकी शुरुआत व्हाट इज लॉजिक से ही होती है। सामान्यतः हम कहते हैं कि लॉजिक इज आर्ट एंड साइंस ऑफ रीजनिंग। देयर आर टू मेन टर्म्स इन दिस डिफिनेशन। फर्स्ट आर्ट एंड सेकेंड इज साइंस। आर्ट इज रिलेटेड टू डू एंड साइंस इज रिलेटेड टू नो। साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज ए पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, बॉटनी, प्लांट्स, जूलॉजी, एनिमल्स एंड लॉजिक रीजनिंग। लॉजिक मीन्स आर्गुमेंटेशन, तर्क करना। देर आर टू काइंड्स ऑफ रीजनिंग, दोज आर डिडक्टिव मेथड एंड सेकेंड इज इंडक्टिव मेथड। निगमन विधि और आगमन विधि। अब इन दोनों के भेद को समझ लेना आवश्यक है। पहला, हम डिडक्टिव मेथड में, निगमनात्मक विधि में, दो आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम टू प्रेमिसेस। जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, राहुल इज ए मैन, देयरफॉर राहुल इज मोर्टल। लेकिन इंडक्टिव मेथड में, आगमनात्मक विधि में,
हम एक आधार वाक्य से निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे सम मेन आर मोर्टल देयरफॉर ऑल मेन आर मोर्टल। दूसरा, डिडक्टिव मेथड में, निगमनात्मक विधि में आधार वाक्य से निष्कर्ष कम व्यापक होता है, अर्थात हम ऑल से सम की ओर आते हैं, लेकिन आगमनात्मक पद्धति में आधार वाक्य से निष्कर्ष अधिक व्यापक होता है, अर्थात हम सम से ऑल की ओर आते हैं। नंबर 3, निगमनात्मक विधि में अगर आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष अवश्य ही सत्य होगा, लेकिन आगमनात्मक विधि में निष्कर्ष केवल आंशिक सत्यता प्रदान करता है। नंबर 4, निगमनात्मक विधि में केवल आकारिक सत्यता रहती है, फॉर्मल ट्रूथ होता है, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल रैट्स आर कैट्स, देयरफॉर ऑल रैट्स आर डॉग्स। इसे हम वास्तविक जीवन में नहीं देखते, लेकिन आगमनात्मक विधि में आकारिक एवं वास्तविक सत्यता दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसका संबंध अनुभव से है। लेकिन तर्कशास्त्र का काम अनुमान एवं उसकी विधियों का अध्ययन करना नहीं है, वरन आर्गुमेंट को इस तरह से बांटना है कि अच्छे गुड आर्गुमेंट एक श्रेणी में आवे तथा बुरे आर्गुमेंट बैड आर्गुमेंट सभी दूसरी श्रेणी में आवे। अनुमान एवं उसकी विधियों का अध्ययन करना मनोविज्ञान का काम है। यहां पर तर्कशास्त्र का काम अच्छे एवं बुरे आर्गुमेंट में बांटकर उसकी यथार्थता वैलिडिटी की जांच करना है। जो आर्गुमेंट यथार्थ होंगे, वैलिड होंगे, वे अच्छे होंगे, तथा जो नहीं होंगे वे बैड आर्गुमेंट होंगे। नेचर ऑफ आर्गुमेंट, जब हम आर्गुमेंट का विश्लेषण करते तब दो तत्व पाए जाते हैं। पहला प्रेमिसेस, आधार वाक्य, और दूसरा कंक्लूजन, निष्कर्ष।
जिन वाक्यों के सहारे निष्कर्ष को या उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है उसे आधार वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के आधार पर अंतिम वाक्य को प्रमाणित किया जाता है उसे निष्कर्ष कहते हैं। जैसे ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, मोहन इज ए ह्यूमन, देयरफॉर मोहन इज इंटेलिजेंट। ऊपर के दो वाक आधार वाक्य हैं और अंतिम वाक्य निष्कर्ष है। लॉजिक को साइंस ऑफ रीजनिंग भी कहा गया है, लेकिन यह परिभाषा लॉजिक के स्वरूप को बतलाती है। उसकी एकदम सही व्याख्या नहीं कर पाती है। रीजनिंग की परिभाषा में कहा गया है कि रीजनिंग इज ए स्पेशल काइंड ऑफ थॉट विच इज नोन एज इन्फरेंस, अनुमान। यहां पर निष्कर्ष आधार वाक्यों की सत्यता से निकाला जाता है। विचार जो तर्क का आधार है वह मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने पूर्णतया जटिल माना है। तर्कशास्त्र का संबंध रीजनिंग की वास्तविक प्रक्रिया से नहीं है, वरन इसका संबंध रीजनिंग की पूर्ण प्रक्रिया की शुद्धता से है। इसका काम केवल यह देखना है कि आधार वाक्य सत्य होगा तब हमारा अनुमान यथार्थ होगा, अन्यथा वह गलत होगा। तार्किकों का संबंध सभी प्रकार के रीजनिंग से है, चाहे वह उसकी विषय वस्तु हो अथवा नहीं। लेकिन रीजनिंग को सही होने के लिए आधार वाक्य एवं निष्कर्ष दोनों को सही होना आवश्यक है। मित्रों, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेचर ऑफ आर्गुमेंट और स्कूल ऑफ लॉजिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।